तो भाई विजय सर की सेकंड लास्ट मूवी थिएटर अंदर रिलीज हो चुकी है। तो मूवी के स्टार्टिंग में थालापति विजय एक जिम्मेदार फैमिली मैन टाइप दिखाए जाते हैं, लेकिन भाई साहब इंटरवल में सब कुछ चेंज हो जाता है। बिना स्पॉइलर दे बताऊं तो फिर विजय वर्सेस विजय, फैमिली वर्सेस फैमिली, फादर वर्सेस सन। और जो पहली बेस्ट चीज मुझे इस मूवी के अंदर लगी वो इस मूवी का एक्शन खतरनाक, और वो बाइक चेसिंग वाला तो ओ भाई साहब, और वो मेट्रो वाला तो ओ भाई साहब, इन एक्शन को शायद ही मैं कभी भूल पाऊंगा। एकदम खतरनाक, एकदम तगड़े, एकदम गाड़ फाड़ थे। लेकिन भाई मूवी का फर्स्ट हाफ ऐसे काफी बोरिंग सा और काफी लंबा सा लगता है। मतलब बहुत ही ऐसे इनसेंसिबल जोक यहाँ पर मारे गए हैं, सेंसलेस टाइप की कॉमेडी यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। लेकिन भाई साहब इसका इंटरवल सीन देखकर आपको एकदम और किस्म आ जाएगा। और विजय सर की परफॉर्मेंस यहाँ पर एक नंबर थी। वहां पर जो विजय वर्सेस विजय का कॉम्बिनेशन, मतलब क्या ही बताऊं, आपको देखना पड़ेगा जाकर। स्पॉइलर क्या है दूं, थोड़े दिन बाद दे दूंगा। और आईपीएल लवर्स के लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज भी यहाँ पर है, जिसको स्पॉइलर तो नहीं करना चाहता, आप जाकर देख सकती हो। अगर आपको आईपीएल पसंद है तो फिर एक सीन है आपके लिए यहाँ पर, कैसे बताऊं, नहीं बताऊंगा। और भाई चाहे कुछ भी कहो, इस मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसकी लेंथ। अराउंड इस मूवी में आधे घंटे आराम से ट्रिम किए जा सकते थे, जो कि ऐसे फालतू सीन्स हैं, सेंसलेस कॉमेडी जहाँ पर है उनको तो ट्रिम करना था यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि ये मूवी बस विजय सर के फैंस के लिए है, ये मूवी हर एक बंदे के लिए है। ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा तब आप देख पाओगे बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, ऐसा भी नहीं है, है थोड़ी बहुत लेकिन इतनी भी नहीं है वो चीजें। कोई भी फैमिली वाला, आपके मम्मी पापा दीदी दादी, नहीं दादी ज्यादा हो जाएगा। और भाई इसकी म्यूजिक्स एंड बीजीएम्स विजय सर की परफॉर्मेंस के आगे टिक नहीं पाए, बहुत ही कम लग रहे थे, डाउनग्रेड ऐसे म्यूजिक बीजीएम्स है नहीं। जहाँ पर जो सीन्स में जो इमोशन होना चाहिए वो इमोशन हमें बीजीएम ही दे सकता है, लेकिन इसके गंदे बीजीएम्स कारण हमें चीज फील नहीं होती इतनी। जैसे क्योंकि इमोशनल सीन चल रहा है वहाँ पर एक तगड़ा सा बीजीएम होना चाहिए, इमोशनल सा। साला आज बीजीएम की कीमत पता चली इसको देखने के बाद। तो बीजीएम्स एंड म्यूजिक काफी एवरेज थे, लेकिन विजय सर का सीन प्रेजेंस एक नंबर कमाल का था। ओवरऑल अगर हम लोग इस मूवी को रेट करते हैं तो फिर विजय सर की एक्टिंग एंड उनकी परफॉर्मेंस, उनका स्क्रीन प्रेजेंस, उसको 10 out of 10। लेकिन मूवी की स्टोरी, बीजीएम, वीएफएक्स, कॉमेडी लाइंस 10 out of 5। तो क्या आपने गोट मूवी देखी, आपको कैसी लगी, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और अवेंजर्स एंड गेम के एक्शन डायरेक्टर अब रामायण मूवी के एक्शन डायरेक्टर होंगे, तो फिर यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। काफी से रहेगा लाइक सब्सक्राइब।